हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, गोरखप्रिया बाबू जी के पतिदेव मिल गए हैं, महादेव जी। वो नेपाल में अपने नाना नानी के यहाँ थे, मामा के घर। वहीं से आज गई हैं, बॉर्डर खुला है गोरखप्रिया बाबू जी, तो वहीं से लेके इनको आई हैं। ये देखिए, सामने खड़े हैं, बता रहे हैं कि कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ से यहाँ पे फ़ोन करना भारी पड़ जाता है। जो देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो मिल गए हैं। ये अपने नाना से बात कर रही हैं। उनके नाना कह रहे थे ये बता के नहीं आई थी, वो बेचारी परेशान है, अभी भी रो रही हैं। 4-5 दिन से बॉर्डर पे ही पड़ी थी। उनके नाना बता रहे हैं कि जो है ये बता के नहीं आए थे कि हम जो है चुपचाप चले आए, नहीं किसी तरीके से हाल भिजवाया जाता। ये चुपचाप वहीं बैठे थे, यहाँ से गुस्सा होकर गए, वहाँ बताए भी नहीं। अपने रिश्तेदारी में ही थे नाना मामा के घर। शादी में वो लोग आते तो इनको लेके आते। ये उनकी नानी है, नानी भी बता रही हैं कि ये बताए नहीं थे। मामी वगैरह कोई नहीं बता रही हैं, बहू भी उनकी कह रही हैं कि ये बताए नहीं थे, अगर बताए होते तो किसी तरीके साल पहुंचाया जाता, लेकिन ये बिना बताए वहाँ बैठे थे। उन लोगों को नहीं पता था कि जो है ये बिना बताए आ गए हैं। घर पे इतनी परेशानी है, वो मोबाइल भी नहीं वो लोग देख सकते थे। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, बताइए। खैर, अब गई हैं लेके, अपने घर पहुँचेंगे उनको लेकर के। अभी ये लोग निकले नहीं, वहीं बातचीत वगैरह कर रहे हैं, बातचीत करके तब लेके निकलेंगे। यहाँ सब गांव के आदमी सब इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अभी आने के लिए शायद तैयार नहीं है, उनको किसी तरह मनाया जा रहा है। कर गई हैं तो लेके तो आएंगे ही, अभी मना रही हैं। बातें तो वगैरह हो रहा है, देखो क्या होता है। लेके तो आएंगे क्योंकि शादी है, घर में आना तो पड़ेगा, क्योंकि अब शादी के बहुत कम दिन रह गए हैं। बिटिया भी वहाँ बीमार है, अभी लेके लोग निकलेंगे, क्योंकि तो शाम को 5 बजे बाजार भी बंद हो जाता है, कर्फ्यू का माहौल था। और बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पूरी वीडियो वॉच करिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।